Hello everyone, today we are going to discuss about water, soil and noise pollution. We have already talked about air pollution in the class, so I'm just discussing water, soil and noise pollution. So firstly, we are going to talk about water pollution. So water pollution is basically addition of some substance. It can be organic in nature, inorganic, biological or radioactive material in water, and after the addition of these substances, the quality of the water degrades and it becomes unfit for usage. So water pollution is a serious health hazard in India, particularly in villages. It is estimated that 50 to 60% of Indian population suffers from diseases caused by it. So we'll discuss the sources of water pollution first. First one is domestic waste and sewage. Treated या फिर untreated sewage जो होता है municipalities का, वो सारा mix हो जाता है water bodies के साथ and it pollutes the water. Sewage या industrial effluents जैसे कि if you talk about heavy metals, उसमें mercury, lead, zinc etc. आ जाते हैं. Inorganic pollutants like acids, organic pollutants like oil, fatty acids etc. तो ये सारे जब मिक्स होते हैं वाटर बॉडीज में तो ये उनको पोल्यूट कर देते हैं. नेक्स्ट इज सरफेस रन ऑफ. फार्मर्स जो हैं वो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में दे यूज पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स लाइक दीज. सो रेनफॉल की वजह से वो जो वाटर है, दैट वाटर व्हेन इट गेट्स मिक्स्ड विद दीज वाटर बॉडीज, तो वो सारा कंटेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इट गेट्स मिक्स्ड इन द वाटर बॉडीज. नेक्स्ट इज़ ऑयल स्पिल्स. जो हमारे ऑयल रिग्स होते हैं, समटाइम्स वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि वो ऑयल रिग्स में से ऑयल जो है वो स्पिल हो जाता है या फिर ऑयल लीकेज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारा जो वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है और जो मरीन लाइफ है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है. नेक्स्ट इज़ थर्मल पोल्यूशन. थर्मल पोल्यूशन इट मीन्स ऐसा पोल्यूशन जो कि हीट की वजह से हो रहा है. सो हम बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में या इंडस्ट्रीज़ में वाटर को हीट करते हैं टू प्रोड्यूस स्टीम, ताकि हमारे जो इंजन्स हैं या उनके टर्बाइंस हैं वो रोटेट कर पाएँ, एंड आफ्टर यूजिंग दैट वाटर हम उनको वापस वाटर बॉडीज़ में मिक्स कर देते हैं. नाउ व्हेन वी हीट द वाटर, उसका जो ऑक्सीजन का कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, एंड व्हेन दैट वाटर व्हिच इज़ हैविंग लेस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन इट, इट इज़ मिक्स्ड इन द वाटर बॉडी, तो वो जो मरीन लाइफ है उसको सफिशेंट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाता एंड इट सफर्स. सो ऑल ऑफ दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट इज डी ऑक्सीजनेशन, जो मैंने अभी डिस्कशन करी आपके साथ कि वाटर को जब हीट करा जाता है तो उसमें ऑक्सीजन का कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ एक्वेटिक फ्लोरा एंड फौना, एंड मोर ओवर जो हमारी मरीन लाइफ है उसको भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स उसके ऊपर आते हैं. नेक्स्ट इज़ डिजीज़ लाइक जॉन्डिस, टाइफाइड, ये वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं, और अगर वाटर जो हमारा है वो उसका कंडीशन जो है वो ठीक नहीं होगा तो ये सारे डिजीज़ के थ्रू सफ़र करना पड़ेगा. ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हमें अच्छे से नहीं प्रोवाइड होगी. वाटर चेन, जो फूड चेन है ऑफ मरीन लाइफ, दैट इज़ गोइंग टू डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ इट. सो सेकेंड जो डिस्कस करेंगे आज हम, दैट इज़ सॉइल पोल्यूशन. सो इट इज़ डिफाइंड एज अनफेवरेबल ऑल्टरेशंस ऑफ सॉइल बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस एंड फैक्टर्स विच डिक्रीज इट्स फर्टिलिटी. सो जो सॉइल पोल्यूशन है वो दो तरह का हो सकता है, इट कैन बी पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन और इट कैन बी नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन. सो द पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन, इट अकर्स ड्यू टू एडिशन ऑफ सम अनवांटेड मटीरियल्स इन द सॉइल. फॉर एग्जाम्पल, अगर सॉइल में पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स या कोई भी किसी भी तरह के कोई केमिकल का एडिशन है, दैट इज़ पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन. इट कैन बी इंडस्ट्रियल वेस्ट, इट कैन बी माइन डस्ट. सो ये सारे क्या है, ये केमिकल्स हैं जिनकी एडिशन जब होती है सॉइल में तो वो सॉइल पोल्यूट होती है. सो उस कैटेगरी को हम कहते हैं पॉजिटिव सॉइल पोल्यूशन. नेक्स्ट इज नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन. सो इट अकर्स ड्यू टू द सॉइल इरोजन, ओवर यूजेज या ओवर ग्रेजिंग. सो इसमें क्या है कि जो हमारे यूजफुल कॉम्पोनेंट्स हैं उनमें डिक्रीज हो जाता है. सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन. नेक्स्ट इज द रूट कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन इज ऑफन वन ऑफ द फॉलोइंग. इट कैन द सॉइल पोल्यूशन अकर्स बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर,
excessive industrial activity or because of poor management or inefficient disposal of waste. Next, we'll talk about the consequences of soil pollution. First is the short-term effect of human exposure to polluted soil includes headache, nausea, vomiting, coughing, pain in the chest, etc. A variety of long-term ailments have been linked to soil pollution. Some such diseases are listed here. For example, exposure to high levels of lead can result in permanent damage to the nervous system, depression of the CNS, central nervous system, damage to the vital organs such as kidney, liver, etc. High risk of developing cancer. So these are long-term problems associated with soil pollution. Next, soil pollution is often accompanied by a decrease in the availability of the nutrition. So soil mein jo nutrition hota hai wo bahut zyada decline kar jata hai. Jo growth of plants hai wo decrease ho jati hai. Moreover, it leads to bioaccumulation. So what is bioaccumulation? We have studied about food chain, right? So when the herbivores, jo herbivores hote hain, jo plants वो प्लांट्स को खाते हैं राइट सो प्लांट्स में जो भी हमारा केमिकल का एडिशन होगा इट इज गोइंग टू ट्रांसफर इट इज गोइंग टू पास ऑन टू द हर्बीवोरस एंड इट इज गोइंग टू देन गो ऑन टू द रेस्ट ऑफ द फूड चेन सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सॉइल पोल्यूशन नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल First is recycling the garbage and waste materials. So recycle कर सकते हैं, biofertilizers use कर सकते हैं, biofertilizers like instead of pesticides या herbicides या फिर insecticides we should switch to environment friendly biofertilizers. Recycling of the crop residue जो crops हैं उनका residue को recycle करना चाहिए. लैंडफिल्स को जो डंपिंग जोन्स हम बनाते हैं वो उनको ओपन नहीं छोड़ना चाहिए उनको कवर कर देना चाहिए इम्प्रूविंग माइनिंग टेक्निक्स ताकि हमारे जो लैंड जो सॉइल है उसमें माइन डस्ट जो है वो कम से कम मिक्स हो लास्ट इज़ यूजिंग ऑफ द बायो डिग्रेडेबल प्लास्टिक वेस्ट हमें प्लास्टिक बैग्स वगैरह यूज़ करने चाहिए हमें स्विच करना चाहिए ऐसे मटीरियल्स पे जो कि हमारे इन्वायरमेंट को हार्म ना करें So lastly, we are going to talk about noise pollution. So first, we'll talk about the sources of noise pollution. So sources are industries, agricultural machines, crackers, defense equipment, loudspeakers, dynamite blasting, transport vehicles, etc. So these are all sources of noise pollution. If you talk about the consequences, so it affects the hearing ability. You can lose your hearing ability if there is a loud noise. का एक्सपोजर है नेक्स्ट इज जनरल हेल्थ एंजाइटी स्ट्रेस हेडेक हाई ब्लड प्रेशर डिक्रीज हार्ट आउटपुट या नर्वस सिस्टम ये सारे जो हैं इनके ऊपर लाउड नॉइज़ का इफेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है सो लास्टली वील टॉक अबाउट द कंट्रोल ऑफ नॉइज पोल्यूशन सो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिड्यूसिंग रिडक्शन इन द सोर्सेज प्रोटेक्शन ऑफ रिसीवर checking the noise transmissions so we can adopt such measures to control the noise pollution so we can enforce acoustic zoning so by doing so what we do is we keep the human settlement away from the noise producing industries highway traffic we can it should not be allowed to pass through towns and cities green muffler scheme So this was implemented and in green muffler scheme 4 to 5 rows of trees or shrubs are grown along the road sides ताकि जो हमारा noise pollution है या noise है उसको उसकी intensity को reduce करा जाए soundproof chambers को introduce करना चाहिए proper lubrication of the equipment should be done so that they don't produce loud noises restriction on loudspeakers should be there and lastly protective devices like ear muffs or cotton plugs should be used it is for the people who have a higher risk of heart problems or higher risk of heart attacks etc so this is all about today's lecture if you have any sort of doubt feel free to contact me thank you